वेल हेलो गाइस, इन दोनों ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है सरदार नामक एक मूवी। तो इस मूवी की तरफ से एक नया बड़ा अनाउंसमेंट आउट हो गया है, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों साउथ इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मूवी बोले तो सरदार, जिसमें आपको कार्थी जैसे मोस्ट टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलेंगे, जिसका काफी लंबे वक्त पहले एक नया पोस्टर आउट कर दिया गया था जिसमें कार्थी कैदी की ड्रेस में नजर आ रहे थे। और उसके साथ जब इस मूवी का दूसरा पोस्टर आउट किया गया था तब इसमें कार्थी आईपीएस का रोल करते हुए नजर आ रहे थे। तो दोस्तों इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी में आपको कार्थी के दो रोल देखने को मिलेंगे, जिसमें कार्थी एक स्पाई का रोल करते हुए नजर आएंगे, जिसको अपना बेहतरीन डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे आपको पीएस मिथरन, जो कि साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर माने जाते हैं। और इसके साथ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेड जेंट्स मूवीज, जो कि ये मूवी पैन इंडिया मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको 5 भाषाओं में देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज होगी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में। और इसके साथ इस मूवी के टीजर को लेकर एक आ गया है बड़ा अनाउंसमेंट। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 30 सितंबर को PS1 मूवी रिलीज होगी। तो इस मूवी के रिलीज होने से पहले इस मूवी का टीजर आउट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको मेन लीडर में देखने को मिलेंगे कार्थी, रजिशा बिजनाया और राशि खन्ना जैसे मोस्ट टैलेंटेड एक्टर। और खबरों की माने दोस्तों इस मूवी आपको चंकी पांडे भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये मूवी आपको दीपावली पर देखने को मिलेगी, यानी ये मूवी राम सेतु से क्लैश करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों हमको कमेंट करके बताइएगा कौन सी मूवी पहले देखना पसंद करोगे, राम सेतु या फिर सरदार। चलिए एक मिलते हैं नई अनाउंसमेंट वीडियो के साथ, गुड बाय दोस्तों।